हुमायूं टॉम या हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह दिल्ली में पुराने किले के पास निजामुद्दीन एरिया में स्थित है। यहाँ का टिकट 35 रुपीज का है। आप यहाँ का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ की मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद है और ईसा खान का मकबरा भी है। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं की कब्र समेत कई अन्य राजशाही लोगों की कब्रें हैं। सन 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरी दुनिया में मशहूर है। हुमायूं की मौत के 9 साल बाद सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ और सन 1572 में यह मकबरा पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश पर बनाया गया। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। इस मकबरे के वास्तुकार सैयद मुबारक और उनके पिता थे, जिन्हें अफगानिस्तान के खैरात शहर से खास तौर पर बुलवाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताजमहल का आर्किटेक्चर भी हुमायूं टॉम के आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह ईसा खान का मकबरा है। यह एक मस्जिद है।
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।